नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज स्ट्रीट्स पे। बिहार में जो असिस्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का जो असिस्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू रोज़ करते हैं, करंट अफेयर्स टॉपिक पे, स्टैटिक टॉपिक पे। तो आज जो है, आज का जो चैप्टर है वो है पॉलिटी का चैप्टर, प्रीएम्बल। देखते हैं एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन दिस क्विज नंबर 6। इट विल बी बेस्ड ऑन द चैप्टर प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल्स रिफर टू, प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल नहीं है यहाँ पे, ये है प्रीएम्बल, PREAMBLE। प्रीएम्बल रिफर्स टू, सो इट रिफर्स टू इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीफेस टू कॉन्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रीएम्बल होता है ये इंट्रोडक्शन भी है, ये प्रीफेस भी है, ये आइडेंटिटी कार्ड भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो द आंसर बिकम्स मोर देन वन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस टू कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल आखिर बना किस चीज़ से होता है? तो वो बना होता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डेट ऑफ अडॉप्शन। तो ये इस चीज़ पे बेस्ड है, इसका इंग्रेडिएंट्स ये है प्रीएम्बल का। जो इंग्रेडिएंट्स है वो सोर्स है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और डेट ऑफ अडॉप्शन है। सो द आंसर बिकम मोर देन वन। इन विच ईयर वॉज प्रीएम्बल अमेंडेड। तो प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो हुआ है 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो याद रखेंगे द ईयर इज 1976 एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट इज 42nd। सो विथ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज प्रीएम्बल अमेंडेड। सो इट वॉज अमेंडेड बाय 42nd Constitutional Amendment Act. Which of the following words were added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? ठीक है, तो वो था socialist भी add हुआ है, secular भी add हुआ है, integrity भी add हुआ, fraternity नहीं add हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा more than one, socialist, secular, integrity। ये याद रखिए, ये बहुत important question है, क्योंकि प्रीएम्बल का पहले बार और अभी तक तो फिलहाल एक ही बार हुआ है अमेंडमेंट। तो ये क्यों अमेंडमेंट हुआ था, ये तीनों चीज़ को, तीनों वर्ड को ज्वाइन ऐड करने के लिए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। विथ विच आर्टिकल मेंशंस द फैक्ट दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम एज हेड विल एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो अभी हमने देखा ही था, तो ये आर्टिकल जो 74 है इसमें मेंशनड है पीएम विल बी हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ही विल एड टू प्रेसिडेंट। ओके, नाउ हाउ मेनी टाइम्स हैज प्रीएम्बल बीन अमेंडेड सो फार। तो अभी तक एक ही बार हुआ है, और कब हुआ है? 42nd CAA से 1976 में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड को डालने के लिए। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एससी सेड सुप्रीम कोर्ट, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीन जो केस थे इसमें प्रीएम्बल के बारे में डिस्कशन हुआ था, प्रीएम्बल पार्ट है कि पार्ट नहीं है, कि इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो जो बेरूबरी यूनियन केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रीएम्बल है वो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एससी सेड प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बेरूबरी केस में क्या हुआ था, उन्होंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट। ठीक है,
तब केशवानंदी भारती केस आया 1973 में, 13 साल के बाद, तब बोल रहे हैं कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट, ठीक है, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एस सी सेड प्रियम्बल इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए, जो बेरबरी यूनियन केस था 1960 का, इसमें क्या कह दिया कि इट इज़ नॉट अ पार्ट, नॉट अ पार्ट. फिर 13 साल के बाद नया जजमेंट, इसमें बोल दिए कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. और जो LIC ऑफ इंडिया केस हुआ 1995 में, इसमें तो इन्होंने इंटीग्रल पार्ट कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है प्रियम्बल. सो तीन टाइप का जजमेंट आया, नॉट अ पार्ट, पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट. तो ये हुआ बेरुबरी, केशवानंदा एंड LIC ऑफ इंडिया केस में. प्रियम्बल इज, तो प्रियम्बल का नेचर क्या है, इज इट अमेंडेबल और इज इट नॉन अमेंडेबल और इज इट जस्टिशियबल और नॉन जस्टिशियबल, नन और मोर. सो द आंसर बिकम्स मोर, बिकॉज प्रियम्बल इज अमेंडेबल. हमने देखा कि इसको अमेंड किया गया है 1976 में, और ये नॉन जस्टिसेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, तो हमारा जो प्रियम्बल है उसमें मैंसन है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी वर्ड, ये तीनों वर्ड का मैंसन है. और ये कहाँ से लिया गया था, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से नहीं लिया गया था, ये रशियन रेवोल्यूशन से भी नहीं लिया गया था, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी नहीं लिया गया था, ये लिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से. देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से वर्ड लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, तो ये याद रखेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योरसेल्फ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्विट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.